हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फ्लो इन टू द गंगाज। तो ओरिजिनेट होती है नेपाल से और फ्लो करती है गंगा में, तो ये कौन सी रिवर है? तो ये रिवर है कोसी। आंसर इज ए, ये रही आपकी ब्लू कलर में रिवर कोसी। ओके, कोसी रिवर नेपाल में ओरिजिनेट करती है। ओके, सम ऑफ इट्स हेड स्ट्रीम राइज बियॉन्ड द नेपलाइज बॉर्डर। पहले ये मतलब नेपाल से ओरिजिनेट करती है, लेकिन नेपाल बॉर्डर के क्रॉस करती है, तब फिर से नेपाल में इंटर करके तब इंडिया में आती है और गंगा को गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ओके, आफ्टर क्रॉसिंग इंटू बिहार इट ब्रांचेज इंटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर कतिहार। कतिहार के नियर ये गंगा को ज्वाइन करती है। बिहार का शोक भी कोसी को कहते हैं। वाई आर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट कवर्ड विद डेंस कंपेरिजन टू ईस्टर्न स्लोप। वाई आर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट होगा, ओके, ये फॉरेस्ट यहाँ पे होगा। डेंस फॉरेस्ट कंपेरिजन टू ईस्टर्न फॉरेस्ट, ये रहा आपका सदर्न इंडिया। ये बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट डेंस फॉरेस्ट है, ईस्टर्न घाट डेंस फॉरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है मोर रेनफॉल। वेस्टर्न घाट आपका मोर रेनफॉल देखती है, जबकि ईस्टर्न घाट को रेनफॉल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ये वाला रीजन रेन शैडो एरिया बन जाता है, रेन शैडो रीजन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती और इस यहाँ पे बारिश नहीं होती और इस वाले पार्ट में बारिश होती है। इस वजह से इधर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं और उधर साइड में कम फॉरेस्ट होते हैं। Hur argued that while food production could only increase in arithmetic progression, human population grow exponentially. मतलब food production होगा 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे food production होगा, लेकिन human कैसे बढ़ेगा? Exponentially बढ़ेगा, मतलब 2, 4, 8, 16 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसको बताया था किसने? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। आंसर इज सी, और इनकी जो बुक है उसका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसी में इन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और फूड जो होगा वो इंक्रीज करेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। A city with a population of more than 10 million is known as by which of the following name? जिसकी population, जो city है जिसकी population 10 million से ज़्यादा है, उसको कहा जाएगा mega city. Answer is A. Population जिसकी 10 million से ज़्यादा होती है उसको mega city कहते हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सारी mega cities हैं इंडिया की। India's first and Asia's longest cycle highway has been opened in which of the following state of India? India का पहला है, Asia का longest है, ये है उत्तर प्रदेश में। Answer is B. India's first and Asia's longest cycle highway has been opened in उत्तर प्रदेश। As per the ISFR 2019, the इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाइएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में देखा गया? तो ये है कर्नाटका। आंसर इज डी। ओके, और कितना? 1025 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट देखा गया यहाँ पे। Which among the following passes are located in the state of Sikkim? कौन सा passes Sikkim में located है? तो ये है Jelapla and Nathula. Jelapla, Nathula यहाँ पे located है, okay, Sikkim में। Answer is A, 1 and 2.
विच इंडियन सिटी इज नोन फॉर इट्स वंडरफुल बीचेस? कौन सी सिटी है जो अपने वंडरफुल बीचेस के लिए जानी जाती है? तो ये इंडियन सिटी है गोवा. गोवा ए फॉर्मर पोर्चुगल्स कॉलोनी, पोर्चुगल्स कॉलोनी थी गोवा पहले, और यहाँ पे अच्छे अच्छे बीच हैं. घग्गर इज द मेन एंड ओनली सीजनल रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? घग्गर ओनली सीजनल रिवर है, मेन है और ओनली सीजनल रिवर है किस स्टेट की? ये हरियाणा की है. आंसर इज डी, घग्गर इज द मेन सीजनल रिवर ऑफ हरियाणा. और इसमें पानी कहाँ से आता है? सीजनल रिवर, मानसून सीजन जब आता है तभी इसमें पानी आ जाता है. ओके और घग्गर को और किस नाम से जाना जाता है? इसे डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है. घग्गर को डेड रिवर के नाम से जाना जाता है. रेंज दैट अराइजेज इन ईस्टर्न गुजरात स्टेट नियर द अरेबियन सी कोस्ट रनिंग ईस्ट थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़, ये कौन सी रेंज है? तो ये देखिए गुजरात से स्टार्ट होती है, रन करती है ईस्टर्न साइड में, ये है आपकी सतपुरा रेंज. आंसर इज डी, ये रही आपकी सतपुरा रेंज. ये है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन एंड हिमालयास. ओके विच अमंग द फॉलोइंग कोस्टल सिटीज एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच? कौन सी कोस्टल सिटी और उसका लोकेशन करेक्टली मैच्ड है पूछ रहा है. तो इस्तांबुल है टर्की में, बिल्कुल ठीक है. मियामी फ्लोरिडा यूएसए में है, ये भी बिल्कुल ठीक है. पर्थ हवाई, ये गलत है क्योंकि पर्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया में. पर्थ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है. और हवाई आइलैंड तो आपके इधर यूएस का ही पार्ट है हवाई आइलैंड. ओके सो द आंसर इज ओनली वन एंड टू, आंसर इज डी. द स्फिंक्स ऑफ इजिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस ऑफ द विंड? तो स्फिंक्स ऑफ इजिप्ट ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एब्रेजन का एग्जाम्पल है. आंसर इज सी, एब्रेजन को और क्या कहते हैं? कोरेजन, कोरेजन कहते हैं. ये इंक्लूड करता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द रॉक सरफेस बाय वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स दैट आर कैरीड बाय द विंड. ओके कटिंग ऑफ रॉक इज एब्रेजन. एट विच बाउंड्रीज डू द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर? प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं किस वाली बाउंड्री में? तो ये है डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाती हैं, कन्वर्जेंट में एक दूसरे के एकदम पास आ जाती हैं. पास आती हैं तो ऐसा क्या होता है? जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है कन्वर्जेंट में. और ट्रांसफॉर्म में क्या कहता है? एक दूसरे से दूर जाती, एक दूसरे को मतलब स्लाइड करती हुई निकल जाती हैं. ओके वॉट आर द स्मॉल अर्थक्वेक्स विच प्रिसीड द मेजर अर्थक्वेक कॉल्ड? स्मॉल अर्थक्वेक्स कौन से हैं जो प्रोसीड करते हैं मेजर अर्थक्वेक को? इसको कहा जाता है फोरशॉक्स. आंसर इज सी, स्मॉल अर्थक्वेक्स कॉल्ड फोरशॉक्स ऑफन प्रोसीड ए मेजर अर्थक्वेक बाई डेज और इन सम केसेस बाई सेवरल ईयर्स. द अमेजॉन रीफ इज लोकेटेड इन विच ओशन? कौन से ओशन में अमेजॉन रीफ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में. ये रहा आपका, देखिए यहाँ, यहाँ पे आपका अमेजॉन है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास ही अमेजॉन रीफ है. ओके जो फ्रेंच गुआना और ब्राज़ील का जो कोस्ट है ना, वहीं पे अमेजॉन रीफ है. Which of the following is the reason behind the different season to occur? कौन सा reason है कि different season आते हैं? तो इसका reason है tilt of the earth axis. Earth जो अपने axis से axis पे tilted होता है, इस वजह से season आते हैं. Okay. Which among the following two cases contribute to begin the formation of stars?
फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स किन किन गैसें, तीन दो गैसों के कंट्रीब्यूशन से होता है? तो ये है हाइड्रोजन एंड हीलियम। आंसर इज बी, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। ओके, और द बिग बैंग प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हीलियम। पेलियोक्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो ये पेलियोक्लाइमेटोलॉजी स्टडी है कौन किसकी? एंशियंट क्लाइमेट्स की। आंसर इज ए। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉयल्स। आंसर इज बी, स्टडी ऑफ सॉयल इज नोन एज पेडोलॉजी। व्हाट इज नॉर्मली फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट सिचुएटेड नियर ट्रॉपिक्स? तो नॉर्मली वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे क्या पाया जाता है जो ट्रॉपिक के निकट हैं? तो डेजर्ट पाया जाता है वेस्टर्न साइड पे, अधिकतर डेजर्ट पाया जाता है। ओके, डेजर्ट आर जनरली टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिक्स बिकॉज द रीजन हैज प्रिवेलिंग ऑफ ईस्टर्ली विंड्स। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.